नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डाल लेते हैं देश और विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बीच हरीश रावत के लिए आज बड़ा दिन है। आज उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना है। कांग्रेस के 9 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान वोट नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद अब आंकड़ा 22 होगा। उत्तराखंड विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की मांग पर विचार के लिए JNU ने 4 सदस्यीय एक समिति बनाई। छात्रों की भूख हड़ताल का मंगलवार को 13वां दिन है। JNU ने बयान में कहा कि कुलपति ने रेक्टर 1, रेक्टर 2 छात्रों के डीन और रजिस्ट्रार की सदस्यता वाली एक टीम बनाने का फैसला किया है। ये समिति बीते 9 फरवरी को हुए विवादित कार्यक्रम के सिलसिले में मिली सजा के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे छात्रों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी। राहुल गांधी बीमार हो गए हैं। राहुल को 3 राज्यों पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना था, लेकिन फिलहाल उन्होंने दौरा टाल दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही राहुल को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल की सिक्योरिटी को लेकर होम मिनिस्टर से मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह लंदन के नए मेयर को अमेरिका में आने से बैन नहीं करेंगे। ट्रंप ने पहले विवादित ऐलान किया था कि सभी गैर अमेरिकी मुस्लिमों को अमेरिका में आने से वह राष्ट्रपति बनने के बाद बैन कर देंगे। ट्रंप ने यह घोषणा पिछले साल दिसंबर में सैन बर्नार्डिनो में आतंकी हमले के बाद की थी। आतंकवाद के बढ़ते खतरे से उपजी चुनौती को भयावह करार देते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह अभिशाप से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करे। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के लिए वास्तविक और प्रभावी वैश्विक सहयोग जरूरी है। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल देखने को नहीं मिल रहा है। हॉलीवुड के साथ ही यहां भी 6 मई को रिलीज हुई स्टार क्रिस इवांस रॉबर्ट डाउली जूनियर की कैप्टन अमेरिका ने रविवार को 37 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन यह द जंगल बुक से काफी पीछे रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS टीवी की बाकी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मैं हूँ डेंगू फाइटर, और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है, और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम।